नमस्कार, मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया के अंजू ने पाकिस्तान में नसरुल्ला से किया निकाह, प्यार के लिए पाकिस्तान पहुंची, अंजू ने रखा फातिमा नाम। गांव की बहू के इस कदम से नाखुश हैं गांव वाले। खबर यूपी के बलिया से। पाकिस्तान से सीमा हैदर के भारत आने के बाद अब भारत से अंजू के पाकिस्तान जाने का मुद्दा सुर्खियों में है। फेसबुक दोस्त से मिलने राजस्थान की भिवाड़ी से पाकिस्तान गई अंजू, बलिया की बहू है। अंजू का बलिया कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस पूछताछ कर रही है। खबरों के अनुसार पहले मैसेंजर से दोनों बात करते थे, इसके बाद नंबर एक्सचेंज किए और व्हाट्सएप पर बात होने लगी। अंजू शादीशुदा है, उसके दो बच्चे हैं। 2 साल पहले अंजू ने विदेश में नौकरी के नाम पर पासपोर्ट बनवाया था। राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में रहने वाली अंजू पाकिस्तान पहुंचकर अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्ला से शादी कर चुकी है। इन दोनों की दोस्ती साल 2020 में फेसबुक के जरिए हुई थी। वहीं खड़गपुरा गांव के लोग अपने गांव की बहू के इस कदम से नाखुश हैं। खड़गपुर गांव के रहने वाले चंद्रभान ने क्या बताया, देखें। चंद्रमा नाम है। चंद्रमा जी, क्या कुछ घटना की जानकारी हुई है कि नहीं? अभी हम जसवा से सर आए हैं। अच्छा, कुछ मालूम हुआ है आपको कि आपको गांव में? अभी खाने मालूम हुआ है। क्या मालूम हुआ है? अब वो काच शायद पाकिस्तान कहाँ भाग गया है, यहाँ पर पतो ही है। अच्छा, कहाँ की पतो हुए? यही को खड़गपुरा। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम महसूस क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत गलती काम है। अच्छा, गलती काम। कहीं मुलाकात हुई उनके पति से या उस? हम देखे नहीं सर, यहाँ नहीं रहते थे। उन्हें नहीं रहते थे। कहीं ना कहीं गाँव का चर्चा आ गया है, तो आपको क्या महसूस हो रहा है अब? ये तो काम बहुत बेकार हो रहा है सर। अंजू की वजह से अब खड़गपुरा गांव चर्चा में आ गया है, लेकिन यहां के लोग अपने गांव की बहू के इस कदम से नाखुश हैं। बलिया जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मंगलवार को मीडिया को बताया कि अंजू के बारे में पुलिस से जानकारी ली जा रही है। रसरा सीओ मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि अरविंद मूल रूप से बलिया के रसरा थाना क्षेत्र के पड़सिया ग्राम सभा के खड़गपुरा गाँव का निवासी है, लेकिन उसका परिवार राजस्थान में ही रहता है। अरविंद का जन्म पैतृक गाँव में हुआ था और वह ईसाई धर्म स्वीकार कर चुका है। खड़गपुरा गांव के एक अन्य व्यक्ति अरविंद राजवन ने कहा कि उसे अंजू के पाकिस्तान जाने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। उसे यह जानकर अच्छा नहीं लगा कि उसका गांव गलत वजह से चर्चा में आ गया है। बताएं नाम। अरविंद राजवन। किस गांव के निवासी? मवारी मुखिया। अभी कुछ आपको मालूम चला है जो? जी। क्या? हमारे गाँव से जैसे इंडिया से गई पाकिस्तान। वो कहाँ की रहने वाली थी? खड़गपुरा के। खड़गपुरा। कैसे मालूम चला आप लोग को? यूट्यूब पे देखें। यूट्यूब पे देखें। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आप लोग को सुन के कैसा लगा आप लोग को? अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है। कभी मुलाकात हुई थी आपकी अंजू से या फिर उनके पति से? नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई थी। नहीं। रिश्ते में अंजू की सास लगने वाली सुभावती ने बताया कि अरविंद के पिता शिवनाथ और उसकी माँ ललिता देवी की मौत हो चुकी है और वह अंजू के पाकिस्तान जाने से दुखी है। सुभावती जी, आप अंजू क्या लगती हैं? मैं उनके चाची हूँ। अच्छा, मतलब पति की चाची है उनकी। हाँ। अच्छा, तो ये शादी अरविंद और अंजू की कब हुई थी? 2007 में। 2007 में हुई थी। लास्ट बार कब आई थी अंजू यहाँ? 2014 में। 2014 में आई थी। 2014 में किसी पारिवारिक फंक्शन में आई थी जी, उनकी अपने देवर की शादी में आई थी। अच्छा, तो ये लोग, इन लोग की शादी कहाँ पे हुई थी? यहीं गांव से हुई थी या फिर? किन के? अंजू। अंजू भिवाड़ी हुई थी। भिवाड़ी से ही शादी हुई थी। हाँ जी। तो आप लोग को जानकारी हुई है अंजू के बारे में कि अंजू पाकिस्तान चली गई है? जी, हमारे यदि में 10-11 बजे फोन किए थे कि अंजू भाग गई है। अच्छा। उसके बाद में मैं दुखित हो गई। उसके बाद में मैं मोबाइल में टीवी में मैं न्यूज देखने लगी, वो तो पाकिस्तान भाग गई है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, आप लोग को ये जानकारी मतलब फोन के माध्यम से प्राप्त हुई है? जी। तो मतलब कभी अंजू से बात बात होती थी आप लोगों की, अंजू से, अरविंद से? उधर ही बात हुआ था जब वो अपने देवर की शादी में आई थी, उधर ही बात होती हुआ। उसके बाद कोई आप लोग का फोन से भी कोई रिश्ता आता नहीं रहा? कुछ भी नहीं, ना नंबर है ना बात होता था। अच्छा, तो अब कैसा मतलब आपके यहाँ कोई जांच पड़ताल करने कोई आया हुआ था आप आज? जी। कौन आया था? बहुत लोग आए थे। अच्छा, पुलिस से भी कोई आया था? हाँ, एक आए थे, पुलिस से आए थे, पूछताछ करके गए। जी। तो भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू ने अपने फेसबुक प्यार को पाने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया। यही नहीं, उसने अपना नाम फातिमा रख लिया। पाकिस्तानी मीडिया इस बात की पुष्टि कर रहा है।
पाक मीडिया का कहना है कि अंजू ने लोकल कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद अपनी मर्जी से नसरुल्ला से शादी कर ली, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। हालांकि दोनों ही लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने शादी नहीं की है। उधर अंजू और नसरुल्ला के निकाह पढ़ाने वाले मौलवी और पुलिस ने अलग दावे किए हैं। दोनों का एक वीडियो सामने आने के बाद लोग भी यही मानने लगे हैं कि अंजू ने नसरुल्ला से शादी कर ली है। स्थानीय पुलिस का दावा है कि अंजू ने नसरुल्ला से अपनी मर्जी से निकाह किए हैं, जिसके लिए किसी ने उस पर दबाव नहीं डाला। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ।